So it's 12 o'clock right now, and right now I'm going to study physics. So I'm going to attend the lecture number 4. I have already taken the printout of the lecture notes, and I have my rough copy here in which I'm going to be writing rough and solving questions. So let's start. सो दिस इज़ येस्टरडेज़ फ़िज़िक्स लेक्चर। तो आजकल फ़िज़िक्स के दो लेक्चर आ रहे हैं डेली करके, एंड अभी करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है एंड सर डेली 2 लेक्चर्स दे रहे हैं, एंड इवन केमिस्ट्री में भी 2 लेक्चर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, एंड इट इज़ गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट टू मैनेज द क्लास एंड रिवीजन एज़ वेल, क्योंकि अब नीट जैसे जैसे इतना पास आ गया है तो अब हमें अपनी पुरानी रिवीजन भी करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो अब फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा वो करने का। एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है नीट का, एंड यू नो जब एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाता है तब ऐसा लगता है यार अब तो एग्ज़ाम आ ही गया है। प्लस मैनेजिंग ऑल दीज क्लासेस इज़ बिकमिंग लिटरली वेरी मेसी, कि कभी कभार पता नहीं चलता है कि हाँ एक्स्ट्रा क्लास है या नहीं है, तो कभी कभार अटेंड करना भी रह जाता है। एंड फिर वही क्लास जब मैं नेक्स्ट डे क्लासेस के लिए खोलती हूँ, देखती हूँ कि अरे यार कल एक्स्ट्रा क्लास थी मैंने अटेंड नहीं की, तो वो एक लेक्चर और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उस दिन देखने के लिए। प्लस अभी क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना है, तो उसके लिए भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। एंड मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे जल्दी जल्दी इस सब को वाइंड अप करके एंड फिर मैं अपना फ़िज़िकल केमिस्ट्री का, जो कि बहुत पहले हुई थी, उसका रिवीजन चालू करूँ। एंड विद दिस मैं अपनी बायो जल्दी से जल्दी दोबारा से रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। सो इट्स 3:41 राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू डू द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम वन शॉट नोट्स ऑफ उमीद बैच। तो ये उमीद 2021 के नोट्स हैं जिसमें तरुण सर ने पढ़ाया था, एंड अभी मैं इसको रिवाइज़ करने जा रही हूँ क्योंकि कल मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि आज लेक्चर नोट्स रिवाइज़ कर लेते हैं तो दूसरे बार रिवाइज़ भी हो जाएगा। एंड इस चैप्टर में कुछ चीज़ें याद करने की हैं, मतलब पूरा चैप्टर ही रटने वाला है, तो उसके लिए मैं इसको लिख के भी याद करूँगी क्योंकि मेरी आदत है लिख के याद करना। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सो एज़ यू गाइज़ नो कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, एंड आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या तुमने भर दिया, तो मैंने अभी तक नहीं भरा है क्योंकि क्या है ना कि मैं सोच रही हूँ कि पहले सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके एक फ़ोल्डर बना लूँ एंड उसके बाद साथ में एक बार बैठ के भर दूँ, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था ना, बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था। मैं सुबह से बैठी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एंड पूरी रात हो गई मेरे को वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, पूरा एक दिन मेरा गया था, क्योंकि जब भी मैं भर रही थी तो कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा था, तो फिर मैं वो डॉक्यूमेंट निकाल रही थी, उसको रीसाइज़ करना एंड उसको स्पेसिफ़िक फॉर्मेट में डालना, तो इसमें मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्योटिक हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि इस बार भी वैसा हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आराम से पहले एक फ़ोल्डर बना लेंगे डॉक्यूमेंट्स का जो भी चाहिए, एंड उसके बाद एक बार में बैठ के पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, जिससे पूरा एक दिन तो वेस्ट कम से कम ना हो एंड उस टाइम में मैं कुछ ना कुछ रिवाइज़ कर ही लूँ। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक भरा या नहीं भरा मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं। सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेमोनीट ऐप, बिकॉज मेमोनीट हैज़ 100% NCERT बेस्ड क्वेश्चन एंड 3000+ एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। एंड आप जब भी मेमोनीट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत या सही होता है तो वो नीचे एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, एंड वहीं पर NCERT का पेज नंबर भी रहता है, जिससे कि आप अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। एंड अगर आपको NCERT रीड करनी है तो आप NCERT खोल के भी उसको वहाँ से पढ़ सको, एंड दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। मेमोनीट हैज़ 30,000+ क्वेश्चंस दैट कम्स विद अ स्पेशल रिवीजन एल्गोरिथम, सो यू विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन ऑन डे 1, 3rd and 5th, जिससे कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, तो आप वो टॉपिक ना एग्जाम में। केमिस्ट्री हैज़ 2 सेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन। These questions are divided into 3 type of question: flashcard type, match the element, and jumble word. This section just makes learning formula more fun and interactive. So the same type of formula section is also available for physics. So physics section also has video lecture on all the important topic, and you can find 30 years+ previous year question with the video solution. In NEET 2022. 94 out of 100 question of bio, 42 out of 50 questions of chemistry and 30 out of 50 question of physics were directly asked from MemoNeet. So MemoNeet also have 100% NCERT based test series. You can solve subject wise, unit wise, full length test series for unlimited number of time. So if you want to purchase their subscription or purchase test series, you can use my code STUDY300 to get extra 300 rupees off on your subscription. The link is available in the description, so do check it out. So I just revised the lecture number 1 and 2 of chemical bonding. So right now I'm going to attend the lecture number 3 of chemical bonding. Hello, myself Umeed Batch and welcome you all on this incredible platform of Physics Walla. तो ये कीनियंस कैसे हैं आप सब लोग? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का 3 क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें? मेन टॉपिक जो आज की हमारी क्लास का है वो यही है, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ। हे गाइस, वंस अगेन, तो ये वीडियो एक्चुअली मैंने पहले ही एडिट कर लिया था, बट मैंने सोचा कि कल जो भी हुआ उसके बाद मेरे को कुछ ना कुछ तो बता देना चाहिए आपको। तो जिनको नहीं पता, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि 5 सेकंड की थी आई गेस, जिसमें मैंने बोला था आई क्विट थैंक यू, एंड मेरे को खुद को नहीं पता था कि वो वीडियो पब्लिक हो गई है एंड उस पर रिएक्शन ऐसे थे, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो एक्चुअल में बात ये थी कि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ रही थी, एंड कल के दिन जो कि 13 मार्च है, तो मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि मैं पढ़ने बैठ रही थी पर मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था, तो इसीलिए थोड़ा कुछ ज़्यादा वर्कड अप हो गई थी मैं। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो वीडियो बनाया पर मैंने वो प्राइवेट में अपलोड किया था, एंड आई डोंट नो वो कैसे शेड्यूल पर हो गया एंड वो पब्लिक हो गया। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, उसके 1 घंटे बाद, अपलोड होने के 1 घंटे बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, उस पर एक मैसेज था जिसको देख के मैंने कहा ये क्या है। मैंने अपना यूट्यूब खोला और तब मैंने वो पूरा अपना ब्लंडर देखा। इट वॉज़ नथिंग सीरियस, आई नो इट लुक्ड सीरियस, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी उस ट्रबल के लिए। लाइक लिटरली वो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था बट वो इतना सीरियस नहीं है यार। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी लो फील करते ही हैं, एंड नोबडी रियली टॉक्स अबाउट इट, क्योंकि कैमरे के सामने सब अच्छा लगता है एंड यू डोंट नो व्हाट गोइंग बिहाइंड द कैमरा। सो इट्स जस्ट दैट, हाँ कोई डेज होते हैं जहाँ पे हमें अच्छा फील नहीं होता, बट नीड इज़ नॉट द ओनली थिंग इन आवर लाइफ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एंड वेन एवर यू फील लो यू कैन गो टू माई कम्युनिटी पोस्ट, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव कोट्स दैट। जब भी मैं भी लो फील करती हूँ मैं भी वही खोल लेती हूँ, बिकॉज वहाँ से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है कुछ ना कुछ करने का, तो आप भी उसको जाके देख सकते हैं। इट्स अ पिटार ऑफ मोटिवेशन। तो आई विल जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो, जस्ट यू नो जस्ट डू वट एवर यू लाइक एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड I'm really sorry for that trouble. So pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys. And sorry.